कहाँ थी आप? हम लोग तो इतनी देर नीचे बैठे हुए थे। अच्छा, वो बस बैठो, तबीयत जरा बोझिल थी तो मैं ऊपर आ गई। अकबर भाई गए? हाँ जी, काफी देर हो गई उनको गए। क्या बात है? वो महरीन मुझे बता रही थी कि आप कोई बात करना चाह रही थी मुझसे। हाँ, वो जरूरी बात करनी थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे बात करूं। क्या हो गया आपको? इतना झिझक क्यों रही हो? कोई पैसों की जरूरत तो नहीं है आपको? अरे नहीं, पैसों की बात नहीं है बेटा, बस वो समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। अरे खुलकर बात करें ना, ऐसे झिझक क्यों रही हो? वो बात ये है कि बिहा है ना, जी उसका एक कजिन भी है, फूफी का बेटा। हाँ, विकी। हाँ विकी, जब तुम जर्मनी में थे उसका काफी आना जाना रहा यहाँ पे, घंटों अभिहा के पास बैठा रहता था। जाहिर है हम तो मना नहीं कर सकते ना। अच्छा, तो आपको भी पता चल गया है। क्या पता चल गया? अरे महरीन और विकी के बारे में, एक दूसरे को पसंद करते हैं ना वो। बड़ी तेज है भाई मेरी, पहले तो बता ही नहीं रही थी, फिर अभिया ने उससे भाभी बन के पूछा, सब बता दिया। वैसे इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात तो नहीं? नहीं, परेशानी की बात तो नहीं है, लेकिन हम लड़की वाले हैं ना। हाँ ठीक कह रही हैं। हमें ना पहल नहीं करनी चाहिए। जब वो लोग प्रॉपर तरीके से रिश्ता लेकर आएंगे तो फिर हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, इसलिए मैं चाह रही थी कि तुम्हारे कान में बात डाल दूँ। बहुत अच्छा किया आपने। बल्कि विकी की तबीयत खैर से ठीक हो जाए तो फिर मैं अभिया से कहता हूँ कि वो फुफ्फो से और विकी से बात करें, फिर देखें आगे सही तरीके से इस बात को बढ़ाएंगे। यही मतलब था मेरा। अच्छा हो गया, वैसे बहुत खुश हूं मैं। अतिया, सामान ले आए हूं भाई, चेक कर लो। जी अच्छा। बुरकान, बुरकान, जी बीबी जी, बड़ी बीबी जी। वो ये उठाओ और जाके अबीहा को पिला दो, और उससे कहना कि उसे इसकी शदीद जरूरत है। जी बड़ी बीबी। ऐसा नहीं हो सकता।
अतिया, 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 अदनान, अदनान फौरन आओ, अतिया। कैसी कंडीशन है डॉक्टर साहब? जी अब खतरे से बाहर है, हमने स्टमक वॉश किया है, बाकी जो ट्रीटमेंट किया है वो आपने देख ही लिया। कब तक होश में आ जाएंगे? देखिए अभी तो ये ट्रंकुलाइज है और जहर का असर जाहिर है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। जहर कैसे पी सकती है ये? जहर नहीं, कुछ समझ से बाहर है डॉक्टर साहब, जहर क्यों पिएगी? देखिए गलती से भी पिया जा सकता है और वैसे भी जिस मकदार में उनके पेट से जहर निकला है उसे देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने बाकायदा जहर पिया ही है। ऐसे हालात में हम इसे पुलिस केस ही कह सकते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, अम्मा ने खुदकुशी नहीं की। अब मुझे लगता है कि गलती से इन्होंने कोई चीज पी है। अब देखिए ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। एक्सक्यूज मी, खुदकुशी क्यों करेगी अतिया? क्या वजह हो सकती है बाबा? पता नहीं कोई गलती और ऐसी गलती, मगर